Assalamu alaikum. In the last section, we discussed about the iron deficiency anemia and the chronic anemia of the chronic disease. Now, we are going to discuss about the sideroblastic anemia. Now, sideroblastic, I have told you what it is. I have told you that there is no protoporphyrin synthesis. Okay? So, hemoglobin was made up of heme and globin, and heme was made up of iron plus protoporphyrin. So, what will happen? Protoporphyrin will not be. तो हीम नहीं बनेगी, हीम नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो पेशेंट को अनीमिया हो जाएगा, यही प्रॉब्लम होगी ना। अच्छा, अब देखिए इसकी जो हमारी प्रोटोपोफायरिन होती है ना, वो बनती कैसे है। प्रोटोपोफायरिन भी तो कहीं से बन के आना है, तो आयरन के साथ मिलना है तो हीम बनानी है ना। तो इसके लिए आपकी बुक में लिखा हुआ है कि सक्सिनाइल को ए होता है, ठीक है। सक्सिनाइल को ए जो है ना, वो हमारे पास एला में कन्वर्ट होता है। इसके लिए जो हमारे पास एंजाइम चाहिए होता है, वो होता है एलासेंथेज, ठीक है, एलासेंथेज। और इसके साथ साथ हमें चाहिए होता है विटामिन बी सिक्स, ठीक है, विटामिन बी सिक्स। उसके बाद जो एलासेंथेज होता है ना, उसको हमारे पास जो एला डिहाइड्रोजिनेज होता है ना एंजाइम, अरे मैं बता दूँ, ठीक है, ऐसे हमारे पास कन्वर्ट होगा ये पोर्फोबिलिनोजन, ठीक है, पोर्फोबिलिनोजन। एला ने कन्वर्ट होना है पोर्फोबिलिनोजन विद द हेल्प ऑफ एला डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। उसके बाद पोर्फोबिलिनोजन जो है ना, उसने कन्वर्ट होना होता है फाइनली प्रोटोपोरफायरिन में, ठीक है, ये कहानी है सारी। तो सक्सिनाइल को ए जो है वो एला में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एलासेंथेज और वाइटामिन बी सिक्स, ठीक है, बी सिक्स। और एला जो है वो प्रोटोबिलिनोजन में कन्वर्ट होगा पोर्फोबिलिनोजन में एला डी से, और जो पोर्फोबिलिनोजन होगा वो फाइनली प्रोटोपोरफायरिन बना देगा, ठीक है। अब प्रोटोपोरफायरिन की ये सिंथेसिस की स्टेप्स है, अगर किसी पर्सन के अंदर इसकी डेफिशिएंसी होगी एंजाइम्स की या विटामिन बी सिक्स की, तो अल्टीमेटली हमारी प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगी। प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगी तो वो सारी सीरीज ऑफ स्टेप्स की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी, ये कहानी है सारी आसान सी। तो इसमें एक कहानी और याद कर लें कि जो हमारी आयरन होती है ना, फाइनल जब प्रोटोपोरफायरिन बन जाती है इस सारे पैथवे से जो मैंने आपको बताया, तो आयरन ने जो मिलना होता है ना प्रोटोपोरफायरिन से, वो मिलना होता है हमारे जो इरिथ्रो वो जो सेल्स होते हैं ना, इरिथ्रोइड के प्रिकर्सर सेल्स, उनके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये सारा। ये जो आयरन है प्रोटोपोरफायरिन के साथ मिलना है ना, ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलना होता है। अब जब प्रोटोपोरफायरिन नहीं होती ना, तो हमारी आयरन जो होती है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही फंस जाती है, ठीक है, कैद हो जाती है। वो कहती है उसने ना, एक्चुअली यहाँ पे बैठ के माइटोकॉन्ड्रिया बैठ के ना, आयरन ने प्रोटोपोरफायरिन का इंतज़ार करना होता है कब वो आए मेरे पास और मैं उसके साथ मिलूँ और हीम बना दूँ, ठीक है। लेकिन प्रोटोपोरफायरिन उससे लेने नहीं आती माइटोकॉन्ड्रिया से, तो आयरन जो है ना वो अंदर ही बैठी रहती है, जब तक वो नहीं आएगी मैंने तो नहीं बाहर जाना। तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ना, जब आयरन बैठ जाती है तो वो अंदर ही ना क्या करती है कि एक ना रिंग बना देती है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। उस रिंग की वजह से ना, इस पूरे हम जो है ना एनीमिया को कहते हैं, वो जो रिंग बनता है अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्या, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये एक रिंग सिड्रोब्लास्ट बन गया। इसी वजह से इस पूरे अनीमिया का नाम हमने सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया रख दिया, ठीक है। तो ये सारी कहानी है कि जो हमारे पास है, ठीक है, एलासेंथेज, उसने सक्सिनाइल कोए को एला में कन्वर्ट करना, विच इज़ एक्चुअली अमाइनो लिपोलिनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ विटामिन बी सिक्स एज अ कोफैक्टर। और फिर जो हमारे पास है एला डी, उसने उसको कन्वर्ट कर देना पोर्फोबिलिनोजन में, और ये फिर कन्वर्ट होगा प्रोटोपोरफायरिन में। फिर हमारे पास जो आयरन है वो प्रोटोपोरफायरिन के साथ मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पिरोचेलेटेज एंजाइम के साथ, ये मैंने आपको नहीं बताया, पिरोचेलेटेज एंजाइम के साथ मिलके, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है फिर फाइनल जो है वो बनाएगी क्या, हीम, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि जो है ना, मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में आती है, तो अगर प्रोटोपोरफायरिन नहीं होगी तो वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के गिर्द जो है वो इकट्ठी हो जाएगी आयरन, और न्यूक्लियस के गिर्द रिंग बना देगी, जिसको हम रिंग सिडोब्लास्ट कहेंगे, हैंस नेम द सिडोब्लास्टिक एनीमिया। अब देखें, सिडोब्लास्टिक एनीमिया जो कि जनरल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। जनरली क्या हो सकता है कि जो एंजाइम था वही नहीं है, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है ना, वो एक एसेंशियल पार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप था हमारा जिसमें विटामिन बी सिक्स था, वो नहीं था, ठीक है। अच्छा, एक्वायर्ड कॉजेज क्या हो सकते हैं,
ये देखें वही वाले आ गए सारे, मतलब सारी कहानी उधर ही घूम रही है। विटामिन B6 ही नहीं है जिसने हमारे पास एलासेंथेस के साथ मिल के जो है वो काम करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग ले रहे होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी TB के लिए, जो आइजोनियाज़िड ले रहे होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, वो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवा देते हैं। तो TB के पेशेंट्स पे जब हम आइजोनियाज़िड देते हैं वो विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवाता है। विटामिन B6 नहीं होते तो हमारी क्या नहीं बनती, आयरन ही नहीं, वो नहीं बनती, हीम नहीं बनती, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनती, जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में एनीमिया हो जाता है TB के लोगों में, ठीक है, आइजोनियाज़िड लेने की वजह से। अच्छा, उसके बाद जो है लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग क्या होता है, ये ना लेड हमारे LRD को, जो दूसरा वाला स्टेप था, और फिरोचेलेटेज जिसने आयरन को और प्रोटोप्रोफाइरिन को मिलाना था, ठीक है, उसको जो है ना इनहिबिट करना है। और जो अल्कोहलिज्म, ये तो मैं कहती हूँ पक्का ही याद कर लेना ना, अल्कोहलिज्म, अल्कोहल के लोगों में जो है ना हमारे पास बहुत कॉमन है ये सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, बिकॉज ये आपके सिनेरियो में बहुत आता है कि अल्कोहल पीता था बंदा, ठीक है, तो उसको जो है वो कौन सा एनीमिया है। एक और एनीमिया भी इसमें होता है, वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे आएगा। लेकिन ये थे अल्कोहल जो होता है, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पॉइजन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पॉइजन है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही वो आखिरी स्टेप होना है जिसमें आयरन और प्रोटोप्रोफाइरिन मिलना है, तो वो नहीं होगा स्टेप तो ऑब्वियसली नहीं बनेगी, ठीक है। लैब फाइंडिंग्स क्या होंगी देखें, मतलब ये सारी लैब फाइंडिंग्स हम एक टेबल ही बेचारा नीचे डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें इसकी जो है ना समझ आ जाए। अच्छा देखिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम सिडरोब्लास्टिक की देख लेते हैं क्योंकि हम अभी उसके बारे में जो है माइंड सेट रखा हुआ है। अच्छा अब देखें, खुद देखें कि जो आयरन है ना, मतलब इसमें सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में क्या है, आयरन जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है, आयरन जो है वो ज़्यादा हो गई है, याद रखना है। क्यों ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उसकी बहन प्रोटोप्रोफाइरिन नहीं है। जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया था तो उसकी, उसको कंपनसेट करने के लिए उसकी बहन प्रोटोप्रोफाइरिन जो है वो ज़्यादा हो गई थी ताकि उसको कंपनसेट किया जा सके। अब क्या है, अब प्रोटोप्रोफाइरिन नहीं है तो आयरन ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि वो नहीं मिल पाएगी, तो आयरन ज़्यादा होगी तो फेरेटिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, आयरन स्टोर्ड फॉर्म में ज़्यादा होगी, सीरम में भी ज़्यादा होगी, परसेंटेज सेचुरेशन मीन्स कि हमारी ट्रांसफेरिन के साथ भी ज़्यादा बाइंड हो गई होगी ब्लड में। लेकिन मैंने आपको बताया जब भी फेरेटिन ज़्यादा होता है तो TIBC कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आयरन इतनी ज़्यादा है कि उसने हमारे TIBC को नहीं छोड़ा, ठीक है, इस तरह से। और ये बाकी सारे देखें, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मैंने आपको बता दिया था कि बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ऑपोजिट है, उसमें जहाँ पे लो है इधर हाई हुआ हुआ है, ठीक है, इसमें ये TIBC का ही डिफरेंस आ रहा है और बाकी जो लो है वो हाई। एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज़ जो है ना, इसमें और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ज़रा गौर करें, इसमें फेरेटिन लेवल हाई है, ठीक है, ये मसला आ रहा है। और जब फेरेटिन हाई लेवल होगा तो TIBC कम हो जाएगा, ये चेंज आ रहा है, बाकी सारा वही है क्योंकि आयरन नहीं है। और प्रेगनेंसी एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो लोग लेते हैं ना, उसमें तो मैंने आपको वैसे ही बताया कि आयरन जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो परसेंटेज सैचुरेशन कम होगी, फेरेटिन कम होगी, तो उसी मुकाबले में TIBC ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सेम हमारे, मैं कहती हूँ आयरन डेफिशिएंसी की फॉर्म में ही आता है, चेंज नहीं है। तो ये देख लें, ये फिगर रिंग सिडरोब्लास्ट की है, इसमें आपको रिंग नज़र आता है, मैंने आपको बताया ना वो न्यूक्लियस के गिर्द जमा हो जाता है आयरन, ठीक है, ये रिंग आपको नज़र आता है इस तरह से पूरा। तो ये क्या होगा, रिंग सिडरोब्लास्ट होगा। और प्रूशियन ब्लू स्टेन इसमें हम यूज़ करते हैं आयरन के लिए, याद रखना है रिंग सिडरोब्लास्ट, तो इसमें जस्ट ब्लू नज़र आ रहा है आपको। थैलेसीमिया डिस्कस कर लेते हैं। थैलेसीमिया जो है ना, वो मैंने आपको बताया कि चौथा इसका जो है वो क्लासिफिकेशन में आता है, जब हमारे पास हीमोग्लोबिन होती है ना, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब क्या नहीं बन रही थैलेसीमिया में, क्या चीज़ नहीं बनेगी, मैंने आपको बताया था ग्लोबिन नहीं बनेगी, ग्लोबिन चेंज नहीं बनेगी, ठीक है, ग्लोबिन चेंज नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। म्यूटेशंस आती हैं, इनहेरिटेड म्यूटेशंस आती हैं जिसकी वजह से ग्लोबिन चेंज नहीं मिलती बनती, ठीक है। और ये लोग जो होते हैं ना, ये मलेरिया के खिलाफ प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको ना RBCs के अंदर रहना पड़ता है ना, मतलब रहना होता है ना, लेकिन वो RBCs ही नहीं प्रॉपर बन रहे तो वो किधर बेचारे रहे, इस वजह से ऐसे लोगों को मलेरिया होना जो कम चांसेस होते हैं। अच्छा, डिवाइडेड इनटू अल्फ़ा एंड बीटा, मतलब हमारी जो थैलेसीमिया होती है ना वो अल्फ़ा और बीटा में, बीटा होती है मतलब अल्फ़ा थैलेसीमिया हो सकता है या बीटा थैलेसीमिया हो सकता है पेशेंट्स को, ठीक है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो नॉर्मल हमारी हीमोग्लोबिन होती है ना, वो ये तीन आती हैं, कौन कौन सी, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन F होती है, ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं। जब वो बच्चा जो है वो
बड़ा हो जाता है, जैसे हम मैं एडल्ट हैं तो वो उसके अंदर हीमोग्लोबिन ए होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है हीमोग्लोबिन जो ए टू होती है ना वो भी नॉर्मल होती है, मतलब थोड़ी अमाउंट में हमारी ये भी प्रेजेंट होती है। तो फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर अल्फ़ा, टू अल्फ़ा और टू गामा चेंज होती हैं, याद रखना है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ए में हमारे पास टू अल्फ़ा टू बीटा चेंज होती हैं जो हमारे अंदर है, ठीक है। और ये जो अल्फ़ा हीमोग्लोबिन ए टू है इसमें क्या है, अल्फ़ा टू डेल्टा टू, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद देखें कि अल्फ़ा थैलेसीमिया की हम बात करते हैं। सबसे पहले अब आपने गौर किया होगा कि ये जो चेंज है ना, मतलब हीमोग्लोबिन की चेंज होती है ना, ये जो अल्फ़ा टू मैं बता रही हूँ दरअसल हीमोग्लोबिन की चेंज होती है। अच्छा, अब देखें आप गौर कर रहे होंगे कि तीनों में ही अल्फ़ा है, वेरी क्या कर रहा है, ये गामा बीटा और डेल्टा, ठीक है। अब जब अल्फ़ा थैलेसीमिया होगा तो ऐसे लोगों में तीनों ही नहीं सही होंगी ना, मतलब कि उनके अंदर हीमोग्लोबिन एफ भी नहीं होगी, ए भी नहीं होगी, ए टू भी नहीं बनेगी, क्योंकि अल्फ़ा टू नहीं है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर किसी को बीटा थैलेसीमिया है तो उसमें तो बस इसी में प्रॉब्लम आएगी ना, इस वाली में, क्योंकि इसके अंदर बीटा टू है, बाकी तो सही है ए टू और उसमें तो गामा और वो है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि अल्फ़ा थैलेसीमिया जो है वो जीन डिलीशन की वजह से होता है, कि जीन जो होती है ना वो डिलीट हो जाती है, ठीक है। मतलब म्यूटेशंस की बात करने लगे हैं, वो आपको जनरल सा बताने लगे हैं कि अब क्रोमोसोम हमारा होता है 16, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका क्रोमोसोम है, इसका नाम है 16 क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसमें ना इस तरह से चेंज होती है, अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, अल्फ़ा फोर, ठीक है। मतलब इस तरह से कि अल्फ़ा वन नहीं होगी, टू अल्फ़ा टू, अल्फ़ा टू टू, अल्फ़ा टू नहीं होगी, ठीक है। मतलब बात करने वाली ये है कि फोर अल्फ़ा जीन्स होती हैं, मतलब ये तो आपको पता ही है ना कि एलील्स होती हैं, एक जीन की दो एलील्स होती हैं, एक क्रोमोसोम पे और एक दूसरे क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो वो मतलब उसकी बहन भाई है, तो होती फोर है, फोर अल्फ़ा जीन्स होती हैं, चेंज दो ही होती हैं लेकिन फोर अल्फ़ा जीन्स होती हैं क्रोमोसोम नंबर सिक्स पे, ठीक है। अब मैंने बताया जीन की डिलीशन होनी है, मतलब कि जीन की डिलीशन होनी है, मतलब वो डिलीट होनी है। अगर तो एक जीन डिलीट होती है, मतलब अल्फ़ा वन फॉर एग्जांपल चली जाती है, ठीक है, एक जीन डिलीट होती है, तो उसको हम कहेंगे कि ए सिम्प्टोमेटिक होगा। ऐसा पेशेंट जिसको अल्फ़ा थैलेसीमिया है और उसकी एक जीन डिलीटेड है, उसको ए सिम्प्टोमेटिक, मतलब उसको कोई सिम्टम नहीं आ रहा होगा, पता भी नहीं चलेगा कि, मतलब हमें पता भी नहीं होगा कि इसके अंदर अल्फ़ा थैलेसीमिया है, ठीक है। खुदा नास्ता हमें से बहुत से लोग होंगे जिनके अंदर अल्फ़ा वन की डिलीशन हुई होगी और उनको वो ए सिम्प्टोमेटिक होंगे, उनको सिम्टम नहीं आ रहा होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि हम थैलेसीमिया वाले लोग हैं, ठीक है। अगर तो दो जीन डिलीट हो जाती हैं, फिर पेशेंट को थोड़ा बहुत एनीमिया शुरू हो जाता है, मींस कि उनकी हीमोग्लोबिन थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है, आरबीसी का उनका होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो है ना ये प्रॉब्लम आती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना आती है कि थ्री जीन्स डिलीट हो जाती हैं। अब जब थ्री जीन्स डिलीट होती है ना, मींस के अब हमारी सिर्फ एक अल्फ़ा रह गई है ना, एक अल्फ़ा रह गई है, मतलब कि अब जो हमारे एक अल्फ़ा रह गई है तो क्या होता है कि वो जो एक अल्फ़ा रह गई होती है तो वो तो हमें नहीं ना चाहिए, हमने फॉर एग्जांपल अल्फ़ा टू बीटा टू बनाना है, अल्फ़ा टू चाहिए, इसमें से एक अल्फ़ा आ रहा है वो तो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। अब बीटा जो होगी ना, बीटा जो होगी, ठीक है, वो कहेगी कि मैं तो नहीं, मेरे पास तो अल्फ़ा है ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं अकेली रह गई हूँ, तो वो एक और मतलब किसी और के साथ मिलके ना चीज़ें बनाना शुरू कर देगी, ये देखिए, ठीक है। मतलब कि सिर्फ एक ही रह गई है ना, तो अब अल्फ़ा टू बीटा टू हमने बनाना था ना, अब सिर्फ एक ही अल्फ़ा है तो अब हम कैसे उसके पास लेके जाएं, तो बीटा टू क्या करेगी, वो मतलब बीटा टू जो है ना, ऐसे बीटा टू मिलके ना, ठीक है, मतलब ये ना एच टेट्रामर्स बनाना शुरू कर देगी, ठीक है, टेट्रामर्स मतलब बीटा फोर बन जाएगा, बीटा इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा होगा, मतलब मैंने आपको बताया ना, जब भी एक चीज़ उसकी बहन कम होगी ना किसी चीज़ की साथ वाली, अगली चीज़ उसकी कंपनसेशन में ज़्यादा होगी, जब वो ज़्यादा होगी तो एच बी एच बनना शुरू हो जाएगी, एच बी ए की बजाय ऐसे लोगों में एच बी एच बनना शुरू हो जाती है, जो कि हमारे पास टेट्रामर की फॉर्म में होती है। और ये हमारे जब हीमोग्लोबिन, मतलब जो बनती है ना हमारे आर बी सीज के अंदर, इस तरह की हीमोग्लोबिन जिनके अंदर
जो है वो HBH टेट्रामर्स होते हैं, हमारी RBC की मेम्ब्रेन वो डैमेज करती है, ठीक है। जब वो डैमेज करती है तो RBC की मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, ठीक है, RBC टूटना शुरू हो जाता है। अब ये केस आता है कि जो है ना चौथी भी डिलीट हो गई है, अब उसके पास α2 है ही नहीं है, कुछ भी नहीं बनना यार, वो पैदा ही नहीं होगा बच्चा, वो मतलब इन यूट्रो ही मर जाएगा, लीथल इन यूट्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस केस में क्या होता है कि इसमें तो अल्फा है ही नहीं है ना, मतलब उसमें तो चलो तीन डिलीट हुई तो उसमें तो चलो एक अल्फा है था, वो कुछ ना कुछ बना रहा था, मतलब β2 ने कुछ ना कुछ HBH बना दिया था, इसमें क्या होता है कि है ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि गैमा चेन जो होती है ना वो टेट्रामर्स बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। मतलब कि जो HBA2 होता है ना, ठीक है, उसमें जो α2 γ2 था ना, तो γ2 अब टेट्रामर्स बनाना शुरू कर देगी, γ4, ठीक है। इसको हम कहते हैं HBBarts, जो बीटा 2 बना रही थी वो HBH थे, ये जो गैमा बना रही है वो HBBarts है। अब ये भी हमारे HBBarts जो होंगे ना, ये भी हमारे RBCs को डैमेज करेंगे, ठीक है। अब ये देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया, एक जीन डिलीट होगी तो एसिम्प्टोमेटिक, 2 जीन डिलीट होंगी तो माइल्ड सब केस आएगा, ठीक है। 3 जीन डिलीट होंगी तो पेशेंट को एक तो HBH टेट्रामर्स बनेंगे और दूसरा स्फीयर एनीमिया होगा, और 4 जीन डिलीट होंगे तो वो बच्चा पैदा ही नहीं होगा, वो अंदर ही मर जाएगा, ठीक है। और उनमें HBBarts मिलेंगे जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, ठीक है, और जो है HBBarts मिलेंगे और वो भी हमारे RBCs वगैरह को डैमेज कर रहे होंगे। अच्छा, अब एक बात आती है कि सिस डिलीशन और ट्रांस डिलीशन जो है वो क्या होती है। मैंने आपको बताया कि ये हमारे 2 क्रोमोसोम्स हैं, फॉर एग्जांपल इधर α1, α2, α3 और α4। सिस क्या होती है, सिस जो होती है ना उसमें क्या होता है कि डिलीशन जो है वो सेम क्रोमोसोम पे होती हैं, तो उसको हम कहते हैं सिस। और अगर अपोजिट क्रोमोसोम्स पे हों डिलीशंस, ठीक है, अपोजिट क्रोमोसोम्स पे हों, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, ट्रांस डिलीशन है। अब वो बताते हैं जो सिस डिलीशन होती है ना वो ज़्यादा एशियंस में कॉमन होती है, हम एशियंस में आते हैं ना, पाकिस्तानी इंडिया वगैरह, उन हमारे अंदर ज़्यादा सिस डिलीशन होती हैं, सेम क्रोमोसोम्स पर डिलीशन होती है, ठीक है। लेकिन जो अफ्रीकन्स होते हैं या अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, ट्रांस डिलीशन आती है कि दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर डिलीशन आएगी, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं।